नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और फिलहाल अभी मैं हूँ रंगलुआ विलेज अरुणाचल प्रदेश में, जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये अरुणाचल का ईस्टर्न पार्ट है और फिलहाल अभी मैं हूँ यहाँ जो रूसा एरिया है, यहाँ के किंग वांगलेई वांगहम जी के घर के पास में। और मैं आप लोगों को मिलाता हूँ भैया जी से। ये रिकी वांगहम है जो कि राजकुमार है अभी, और इनके बड़े भैया जी से भी मैं मिलाऊंगा। इनके पास हार्ले डेविडसन बाइक भी है, इसका भी हम लोग राइड लेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग घर के अंदर में चलते हैं। तो ये इनका घर है दोस्तों, ये एंट्रेंस है, ये चांग घर है जी। थैंक यू। इधर मिलिए दोस्तों, ये पानवांग वाहम जी हैं अभी के टाइम के यहाँ के किंग, और यहाँ के राजकुमार जी से मैंने आप लोगों को मिलाया। अच्छा, और ये हिरन का बड़ा वाला हिरन का हेड है शायद ना। हाँ जी, ये आपके दादा के समय में वो हंटिंग करते थे। अच्छा, ये खुद उन्होंने हंटिंग किया, गांव वाले मिलके भी। गांव वाला मिलके भी। अच्छा अच्छा, जो वांगलेई वाहम इनके दादाजी थे वो काफी गद्दावर, बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करते थे, काफी फेमस दोस्तों। और वो जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, उनसे भी वो मिल चुके थे। उनके बारे में थोड़ा स्टोरी भैया जी से मैं जानूंगा थोड़ा बाहर जाके। और ये मैं फोटो लगा रहा हूँ, ये आप लोग देख लें, जो इंदिरा गांधी जी के साथ में इनके दादा वांगलेई वाहम जी का जो फोटो है वो आप लोग देख रहे हैं। ये हो गया ना पाई, ये सबसे ज्यादा हम लोग वो मानते हैं इसको, ये खुद को रक्षा करने के लिए ना। अच्छा, भी और प्लस मतलब रक्षा करने के लिए रक्षा ये है। नहीं तो ये क्या था, ढाल है ना, ढाल भी है। हाँ। ढाल भी है और बजाता है इससे। उस जमाना में जब फोन ऑन तो होता नहीं था, ये सब बजाने से एक पार से दूसरा पार सुनाई देता है। अच्छा अच्छा, इसमें बजाने का एक तरीका है, एक सिग्नल होता है। राजा कोई परिवार का राजा मर गया तो इसी को बजाता है। अच्छा, और एक होता है लॉक ड्रम, लकड़ी का। अच्छा, इसी को बजाता है और ये बजाता है। अच्छा अच्छा, तो पड़ोस वाला बस्ती में, पूरा गांव में और दूसरे बस्ती को मालूम हो जाता है कि इस गांव में कोई राजा मर गया। अच्छा, और अलग अलग है इसका साउंड में ही पता चलता है कि इस साउंड में क्या, और काफी वजन होगा, भाला हो गया। आप लोग भाला बोलते हैं ना हिंदी में, इसको हम लोग अजूपा बोलते हैं। अजू मीन्स एंसेस्ट्रल ना, बहुत पुराना। अच्छा, अजूपा। और तीर धनुष वाला कल्चर नहीं रहा है आप लोगों में? धनुष वाला भी है लेकिन ये ज्यादा चलता था पा। अच्छा, ये बंदूक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता है हम लोग उसको। हम लोग जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होगा तो खुद उठा के ऐसे ही रखा है, बाकी ओरिजिनल भी हो जाता है इसका। ओरिजिनल पूरा डेकोरेट रहेगा पूरा, आपको ऐसा फेंकने से पूरा। अभी पर्टिकुलर कोई जगह पे रखे होते हैं, आपको अगर दिखा रहे तो बाद में दिखा भी सकते हो। तो यहाँ पर पहले शिकार किए हुए कुछ जंगली जानवरों के हेड रखे हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या था? ये आपका जो मिथुन बोलता है ना, जो अच्छा अच्छा वाइल्ड मिथुन, काफी बड़ा मिथुन था तब तो ये। वो सिर्फ पहाड़ में मिलेगा, वो प्लेन्स में नहीं। हाँ, ये मैं देखा उधर, बहुत देखा उस साइड में। नहीं, वो वाला नहीं है, लेकिन वाइल्ड है। अच्छा, ये अलग है क्या? वाइल्ड, जंगली मिथुन। अभी नहीं है ना? नहीं, ये खत्म ही हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। हिमालय रेंज पे मिलता है। अच्छा, जो आप लोग इससे पहले वीडियोस में देखे हैं दोस्तों मेरे, वो वाइल्ड मिथुन नहीं है, ये वाइल्ड मिथुन अभी खत्म हो चुके हैं। अच्छा, और स्पोर्ट्स में कौन इतना एक्टिव था आपसे? हम दोनों जने। और उधर में भी काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। अच्छा, क्या खेलते हैं? फुटबॉल, वॉलीबॉल। अच्छा, और मैंने ये देखिए आर्म रेसलिंग भी खेला, काफी सारे बाहर बाहर भी गए होंगे, आप नेशनल भी खेले होंगे ना? नेशनल खेला मैंने, और आर्म रेसलिंग खेला था। अच्छा, पंजाब कुश्ती। ये क्या था? वेइंग मशीन है, ये आपका वो जो हम राइस बियर बनाता है ना, इसको इससे वो साफ मतलब छकनी है। अच्छा, लोकल छकनी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दादा का जो है ना, हमकम दादा फौजी वाला जो शहीद हो गया। अच्छा, उसका नाम में फुटबॉल खेला था, उसका नाम जो फुटबॉल खेला था वो भतीजा, वो सब उनका गांव का भी है। ये जो हमकम दादा जो शहीद हुआ था ना, उनका नाम में यहाँ में फुटबॉल खेला जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये उसका ही है। तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल में खेलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल में भी यही खेलता है आपका। खेलो इंडिया जो है ना, तो ये इसी से चालू होता है। तो ये हमारा भतीजा खेलता है, भतीजा अभी भी वो आपका पंजाब। आपका फैमिली काफी अच्छा इन्वॉल्व है मतलब स्पोर्ट्स गेम में। तो ये खेला है, अभी भी ये लोग जीता है। अच्छा, ये मैं आर्म रेसलिंग में, ये नहीं कौन सा था यहाँ पे, नहीं वहाँ होगा आर्म रेसलिंग में, मेरा भी है, मैं भी पंजाब खेलता हूँ। आजकल पंजाब थोड़ा फैशन में चल रहा है ना, प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा, तो हो गया लेकिन। तो ये इनका घर दोस्तों, ये हॉल है, जंगली वो है, ये वाला जंगली जंगली छगली ना क्या बोलता है वो, ये पहाड़ में रहता है एकदम पत्थर में। अच्छा, इस साइड में अगर आप लोग जाएं तो देखेंगे एक काफी बड़ा चाय का बगान, ये आप लोग देखें, काफी सुंदर यार।
अच्छा ये एक्चुअली मेरा पिताजी का जो आपने जो बताया वो दादाजी का है जी। ये पिताजी नौकराम वांगन था जी। ये हमारा स्टेट में भी नेफा में भी काफी इन्वॉल्व रहा है स्टेट का पहले अरुणाचल स्टेट बनने से पहले पहले आपके दादा भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं। दादाजी तो हेड हंटिंग तो पूरा उनका ही क्रेडिट जाता है। हेड हंटिंग यहाँ खूब चलता था ना। अच्छा हेड हंटिंग उन्होंने बंद कराया इंसान का सर काटने का तो वो पूरा कैंपेन करके उन्होंने मतलब बंद करवाया। और बंद करने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस जमाना में ना एक गाँव से दूसरा गाँव जाना ही बहुत मुश्किल था। अच्छा एक गाँव से दूसरे गाँव मोस्टली दुश्मन होते थे तो दुश्मन गाँव में जाके उन्होंने मीटिंग वीटिंग करा के ऐसा पूरा इलाका में बंद कराया। अच्छा ये पूरा अरुणाचल में चलता था मतलब जो भी वांचो ट्राइब में। वांचो बहुत बड़ा ट्राइब है कुछ कुछ पार्ट हमारा बर्मा में भी है। ये जो किंग फैमिली है दोस्तों ये पूरा गांव ही ये वांचो ट्राइब्स के हैं तंगसंग ट्राइब्स एक्चुअल में। मैंने आप लोगों को बताया था कि तंगसंग ट्राइब्स का नाम है और वांचो एक्चुअल में भाषा का नाम है जो लैंग्वेज है जी। ये मेरा आर्म रेसलिंग में जीता था ये वाला। अच्छा सही है पिताजी का छवि है फोटो से देख के पेंट कर पिताजी का। अच्छा अभी आपको जो मैंने भाला जो बताया ना वो दिखाया भाला क्या जो वैसे जो दिखाया ये एक्चुअली मेरा वाइफ का है ट्रेडिशनली। ये भी शोपीस है ओरिजिनल भी है ऐसा वाला। तो एक्चुअली ये रानी जो होता है ना राजकुमारी या रानी वो ऐसा लेता है जब भी चलेगा वो। आप लोग किसी फेस्टिवल में ये सब पकड़ते होंगे या फिर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते होंगे क्योंकि नॉर्मल टाइम में तो क्या करेंगे अप्रैल में ओरिया बोलते हैं ना सपोज अभी किसी का घर में कोई गेस्ट वेस्ट के लिए गया तो इसको लेके जाता है ऐसे वो उनका छड़ी के लिए वो होता है। अच्छा कंपल्सरी है मतलब रानी होगा या राजकुमारी होगा वो ये लेके ऐसा चलता है। अच्छा बाकी ड्रेस तो होता ही इसका साथ में। ये तो शो पीस बना है उनका ओरिजिनल भी रखा हुआ है जैसे इधर रख दिया ठीक है। भैया जी के साथ यार थोड़ा फोटोग्राफी करूंगा अभी मैं। ये दोस्तों हम लोग अभी थोड़ा फोटोग्राफी कर रहे थे। भैया ने आधा ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है लेकिन मैं चाहता था कि मैं भैया को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखूं और उन्होंने मेरा इच्छा पूरा किया। थैंक यू सो मच भैया। एक्चुअली मेरा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं मतलब है तो ट्रेडिशनल लेकिन ये कैजुअल ड्रेस एक्चुअली हम लोग का जैसे कोई पार्टी उटी गया कहीं में ऐसा करके तो ओरिजिनल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते पहनते तो मुझे एक घंटा तो पूरा लगता अच्छा। पूरा पहनना पड़ेगा हाथ यहाँ होता है यहाँ होता है यहाँ इधर पूरा टाइप का पूरा आपका मतलब एक घंटा तो लगता है पूरा पहनने में। और खास करके ये वाला जो मैंने आपको अंदर में जो दिखाया था जो जो पा जो बोलता है अजूपा बोलता है मतलब एंशियंट टाइम का हम लोग का हथियार तो बंदूक भी हमारा यहाँ चलता है। बंदूक तो बंदूक का जो मेल फीमेल मेल होता है ना घर में मर्द जी मर्द का नाम में एक घर में एक बंदूक होना है वो लोकल वाला हमारा ट्रेडिशनल वाला जरूरी होता है। एक समय में तो ऐसे भी बोलते है कि ब्रिटिश लोग जब पता चला कि हमारा यहाँ गन है वो लोग भी चौंक गया था बोला कहाँ से आ गया गन। और मेरे को याद है मेरा बचपन में हमारा दादाजी का छोटा वाला भाई यहाँ गन पाउडर भी बनाता था ब्लैक वाला अपना इधर ही बनाता है ओके। तो वो सब गन से भी ऊपर हम लोग ये पाक को हम लोग मानता है मतलब ये बहुत समय से मतलब ये हम लोग एग्जिस्टेंस में रहा थोड़ा सा ये मॉडिफाइड मतलब लेकिन ये ओरिजिनल वाला है उस समय वाला ओरिजिनल है लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि ये थोड़ा सा बाल वगैरह लगा दिया और ये सब बाल होता है आपका ये जो बकरा है जंगली बकरा उसका बाल होता है इसको। अच्छा और यहाँ पे भी एक ट्राइब मतलब अपना ट्राइब का एक गांव है जहाँ पे ये बनाता है उन लोग स्पेशलाइज है ये यहाँ का तो हम लोग वहाँ से परचेस करता है ये मतलब एंशियंट टाइम से उन लोग ये बनाता है ये आपका ये डाई करता है उधर में वो भी एक स्टोरी बहुत मतलब महंगा होता है ये सब चीज का ये उसका और ये ओरिजिनल है इसका। अच्छा अच्छा जी ठीक है थैंक यू। ओए भाई ये मुझे पहले तो आर्टिफिशियल लग रहे थे लेकिन ये ओरिजिनल है। जब इन्होंने हिलना डुलना शुरू किया तो पता चला कि भाई ओरिजिनल है। जो राजकुमार रिकी जी हैं रिकी भैया उनको और उनके बड़े भाई जो किंग है अभी यहाँ के दोनों भाई को ही गाड़ियों का गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत सारे अलग अलग बाइक्स हैं कार हैं है ना और इनका अलग से अपना प्राइवेट गैरेज भी है। ये इनका प्राइवेट गैरेज है और इसमें काम करने के लिए तीन सौ कैसे बुला के रखे। नमस्कार कैसे हैं ये समझ हमारा मैकेनिक भी है दोस्त भी है। एक्चुअली क्या होता है मेरे दोस्त उसने आके उनको क्योंकि यहाँ बनाता रहता है हमारा कजिन भाई का है ऐसे उन्होंने वो बना रहा है अभी। अच्छा। तो अरेक्सन मेरा ही बना रहा है सब। तो अभी मैं दिखाता हूँ भैया का जो गाड़ियों का कलेक्शन है वो वैसे इनका कुछ गाड़ी तीनसुकिया में भी है
वहाँ भी रहते हैं ना, लेकिन कुछ तो यहाँ है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो भी यहाँ पे है। पहले तो स्पेशल हार्ले डेविडसन देखिए कौन सा मॉडल है क्या है। मुझे गाड़ियों के बारे में कम नॉलेज है यार, थोड़ा भैया से ही पूछते हैं। मैं तो पहले मेरा रॉयल एनफील्ड को दिखाऊंगा। अच्छा, ये एक्चुअली क्या होता है, मैं 2009 से मैं राइड करता हूँ। अच्छा, 2009 में से ही मेरे साथ ये राइड में जाता है। और आउट ऑफ नोटिस भी गया हूँ, लेकिन नोटिस लगभग सारा नोटिस स्टेट कवर कर लिया। और मैं क्लब से भी मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे अरुणाचल बुलेट क्लब बोल के। तो अभी अभी मैं राइड होके आया उधर से। अच्छा, तो मैं राइड जाते रहता हूँ जी। तो मैचिस्मो 500 है। तो ये कौन सा मॉडल है बोले? ये मैचिस्मो 500 2009। ठीक है, ये हार्ले फैटबॉय है। तो ये हो गया 2016 लास्ट जनरेशन ट्विन कैम बोलते हैं इसको। अच्छा, लास्ट जनरेशन ट्विन कैम। अच्छा जी, इससे जो पहले आता था 1G वो थोड़ा सा इसका हाई आउटपुट है। सीसी का ये 1690 सीसी का। अरे, एक ये गाड़ी है भैया जी के पास में, अल्टुरस G4। और ये कुछ गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो, नैनो। देसी ब्रांड में थोड़ा हम लोग ये रखते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं। ब्रांड भी है, गाड़ी मतलब हम लोग यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है, मतलब यूटिलिटी के लिए, हम प्योरली यूटिलिटी के लिए जी। जैसे कोई भी लोग रखते हैं ना, मतलब शॉप के लिए ऐसा नहीं, यूटिलिटी के लिए। अभी जैसे हार्ले रखा है वो तो मतलब शॉप था, क्योंकि बाइकर हूँ मैं। बाकी ऐसे यूटिलिटी वे के लिए हम लोग रखते हैं। बाकी यहाँ थार है, तो ये एक और स्कॉर्पियो है यहाँ पे, और ये थार। ये कौन सा मॉडल है भैया थार का? मुझे याद नहीं है, लेकिन ये उस टाइम में स्पेशल एडिशन में आया था ये। तो एक लिए मैं गार्डन, टी गार्डन है हमारा जी, तो गार्डन में जाता है, इसमें मजा मजा लगता है। ओ यूटिलिटी व्हीकल ही है हम लोग। जितने भी महंगे गाड़ी हो, लेकिन मैंने जो थार चलाने वालों से पूछा है ना, जो पता चला है इस थार का अलग ही मजा बताते हैं। अभी यहाँ पर है जितने भी गाड़ियाँ, उनमें से आप लोग देख रहे गाड़ियों का कलेक्शन, और बाकी की गाड़ियाँ इनका भी आसाम में है। जो हार्ले डेविडसन का बाइक आप लोगों ने देखा दोस्तों, उसके कीमत की अगर बात की जाए तो एसेसरीज वगैरह मिला के लगभग 22-23 लाख रुपए है ना, बहुत ज्यादा है। क्योंकि यार बहुत ज्यादा सीसी का भी तो है, 1600 सीसी, अल्टो 800 जैसा दो अल्टो 800 होगा एक बाइक के लिए, सोचो। बाइक का राइड लेते हैं भैया जी का, एक कुछ सिनेमेटिक शॉट भी लूंगा मैं, और मैं खुद भी भैया जी के साथ में थोड़ा सा इस पे राइड करूंगा। अच्छा, अभी हेलमेट नहीं पहना हूं। हाँ, अभी जस्ट एक सिनेमेटिक शॉट के लिए। एक्चुअली मैं राइडर हूं, तो मुंह हमेशा मैं ये मतलब लोगों से ये बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा गियर, स्पेशली हेलमेट आपको पहनना है, वो सेफ्टी होता है। जी जी जी, तो पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपना सर बचाने के लिए आपको हेलमेट पहनना है। बहुत सही है। आवाज सुनिए दोस्तों आप लोग, हार्ले डेविडसन का फैट बॉय, सॉफ्ट टेल का फैट बॉय ये मॉडल है। काफी भारी भरकम गाड़ी है भाई, पहली बार चलाऊंगा, लेकिन थोड़ा चलाना तो नहीं। तो भाई अभी यहाँ से जाने का समय हो चुका है, शायद रात में फिर आना होगा, ऐसा हो सकता है। अगर आएंगे तो मैं मिलता हूँ आपसे सीधे रात में। रात हो गई है, अभी घूम रहे थे आसपास गांव में ही, और भैया जी ने बोला कि गांव में एक जाने माने दादा हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए, तो दादा से मिलने के लिए हुए हैं। और तबीयत ठीक है ना आपका? अच्छा अच्छा, कभी आइए छत्तीसगढ़ में, अच्छा लगा आपसे मिलके। ये इन दादा का जवानी के समय का फोटो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लीजिए, थैंक यू। मस्त ठंडा मौसम है और हम लोग यहाँ पर बॉन फायर का मजा ले रहे हैं। आप लोग कुछ भैया लोगों से मिलिए। ये तो हो नई भैया हैं, और एक भाई जी हैं, हेलो प्रशांत भाई। और इधर मिलिए भैया जी से, ये हो नई भैया के मामा के बड़े लड़के हैं, और ये छोटे लड़के उनके।
बस यार यहाँ पर बातें कर रहे हैं और कुछ बहुत कुछ नया नया चीज मुझे पता चल रहा है, नई नई बातें, यही तो है ट्रेवल का मजा। ये जो भैया लोग वांचो ट्राइब से हैं, इनका जो मुख्य फेस्टिवल है वो ओरिया फेस्टिवल है दोस्तों, वो फरवरी से लगभग अप्रैल तक चलता है। मैं विचार बनाऊंगा अगर मैं आ पाऊंगा तो दोस्तों बहुत सारी नई नई चीजें मुझे पता चल रही हैं, उसमें से एक ये कि ये जो वांचो ट्राइब्स हैं ये तो क्रिश्चियनिटी तो बाद में यहाँ पे आया, मिशनरी वाले लोग यहाँ पे आए और फिर प्रचार प्रसार बढ़ा और अपनाए। वास्तव में ये पहले हिंदू ही थे लेकिन प्रकृति पूजक सूर्य चंद्रमा और प्रकृति को पूजा करने वाले। और बहुत सारे चीज बहुत सारे नियम हैं जो बदल गए, जैसे पहले कोई मर जाता था तो अभी तो दफनाते हैं, पहले क्या था, बहुत पहले भी नहीं, लगभग 30 साल पहले मुझे लगता है ना, 30 साल तो पहले क्या था, कोई जैसे मर जाता है तो उसको किसी खास प्रकार के पेड़ में या फिर कोई भी पेड़ या फिर कोई खास पेड़ होता था, तो जैसे कि कोई मर जाता था तो उनको किसी पेड़ पे लटकाते थे और वो तब तक सड़ने के लिए छोड़ते थे जब तक कि उसका पूरा मांस सड़ के गिर ना जाए। और सड़ने के दौरान बीच में भी एवरीडे उनको उनको जो पसंद था जीवित रहने के दौरान खाना पीना जो भी वो उनको वहां पर देते थे, है ना। और जब खत्म हो जाता था सड़ के पूरे, जब सड़ी कंकाल बचता था तो उसको पूजा पाठ करते थे और उसको कोई खास जगह में रखते थे और उसकी आत्मा की शांति के लिए लगातार पूजा करते जाते थे। तो ये चीज है, ये मुझे अभी पता चला। ये भैया जी की बेटी, हेलो बच्चे, क्या नाम है आपका? नाइस। और एक बच्चू इधर में है, इनसे मिलिए। हेलो, हाय, हेलो, नमस्ते। टोपी खोलो, बाल दिखाओ, पहली बोला पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं, बोल बाबू। तेरी झलक से गुस्सा हो गया ये। ये पुष्पा ही है वो। ये हम लोग यहाँ पर आग ताप रहे हैं और यहाँ जो मैंने पांगकांग विलेज में दिखाया था वैसा ये पूरे अरुणाचल में है दोस्तों, यहाँ पर या फिर अरुणाचल के आसपास वाले जो स्टेट हैं वहाँ भी। और ये जो वांचो ट्राइब्स में बोल रहा हूँ ये नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी होंगे, म्यांमार में भी है जो फॉरेन कंट्री है। और ये देखिए ड्राई मीट, ये पोर्क वगैरह का मीट है, ड्राई करके रखते हैं, इस बॉक्स में भी है ना, इसको आप 6 महीने के बाद 1 साल के बाद भी खाएं तो भी खराब नहीं होता है। जी ठीक है, मैं फिर आऊंगा फेस्टिवल में, कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर फैमिली से मिलके अलग अलग लोगों से, पूरे गांव से लगभग लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे जगह पे तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया दोस्तों। और भैया लोगों को बहुत थैंक यू सो मच कि उन लोगों ने मुझे ऐसा मौका दिया, एक बार फिर से धन्यवाद। 2 घंटे तक हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे बातों को लेकर डिस्कशन हुआ और अभी हम लोग वापस से जो यहाँ के किंग है उनके घर पे जा रहे हैं, उन्होंने आज डिनर पे इन्वाइट किया हुआ है तो वहाँ पे डिनर करना साथ में कैसा होगा वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं, अच्छा तो ये नियम है। थैंक यू। तो यार ये डिनर में दाल राइस सब्जी सैलेड और ये चिकन है। अपोंग बोलते हैं क्या आप लोग? जूसा बोलते हैं, जूसा बोलते हैं। अपोंग को ही जूसा बोलते हैं फिर अलग ही है? नहीं नहीं, अपोंग जो है ना वो हम लोग जुनू बोलते हैं। जुनू, ओके। वाइन है, हम लोग लोकल वाइन है। तो ये यहाँ का लोकल वाइन जूसा बोलते हैं इसको, किंग चिल्ली का पिकल। तो यार जो किंग साहब हैं उन लोगों को लगा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मुझे मसाला बहुत ज़्यादा पसंद तो है लेकिन मुझे बॉयल भी बहुत पसंद है, तो ये खास करके इसलिए प्रिपेयर किए मसालेदार क्योंकि मुझे मसालेदार ज़्यादा पसंद हो गया ऐसा सोच के। लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। हम लोग को लोकल चावल है, लोकल राइस, ओके थैंक यू। आपको ये लोकल ब्राउन राइस ना, इसमें फैट भी कम होता है ना, इसमें तो फैट ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जेटिक है। ट्रेडिशनल ड्रेस मिला है मुझे दोस्तों, यहाँ किंग जी ने मुझे खुद दिया है, थैंक यू सो मच। ये यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस वांचो ट्राइब्स का ना, लेकिन जब मैं दूसरी बार आऊंगा फेस्टिवल में तो और भी कुछ कुछ माला पहनूंगा, पहनूंगा प्रॉपर फेस्टिवल वेयर ना, इसको पहन के जाइए। मिला था ना आपने देखा होगा, आदि वाला मैंने पहना था,
जैसे मैंने नेफा का बताया था ना, तो अरुणाचल में बहुत सारा अलग अलग ट्राइब हो गया, तो वो नेफा मेंबर्स ने हमारा पिटाई का समय में इसको डिजाइन किया गया था कि हमारा अरुणाचल का क्या चीज यूनिफॉर्म होना है, एक जैसा होना है, तो इन्होंने उस समय में ये कोट जो वेस्ट कोट डिजाइन किया था, लेकिन उसमें अपना ट्राइब का डिजाइन लगेगा, जो ये जो है ना, ये जो डिजाइन है वो हमारा ट्राइब का डिजाइन है। अच्छा। ये मैंने देखा वियतनाम में भी यूज करता है, ताइवान में भी यूज करता है। अच्छा। उनका मालूम नहीं ये कहाँ से आया ये डिजाइन, हमारा तो ये शेर से आया एक्चुअली ये डिजाइन जो। अच्छा। शेर से जो शेर में लिखा होता है ना उससे आया हुआ ये डिजाइन जो, टाइगर से, टाइगर नहीं लियो बट ये शेर से। थैंक यू सर, बिल्कुल जरूर आना, बिल्कुल आप लोग भी आइए जरूर। ये वाइल्ड मिथुन का एक और हेड, इधर में एक और है, ये जो राजकुमार और जो यहाँ अभी के किंग हैं, इनके पिताजी ने इसको हंटिंग किया था। लेपट, ये लेपट है, ये बंदर का माता है इधर, ये अच्छा अच्छा छोटा। हाँ, और दादा के समय का, दादा का समय का ये सब भी है। अच्छा, दादा जी का समय लोग का तो सब सड़ गया, सर भी गया, दादा तो सर ही गया। अच्छा, चार है तो चार से ज्यादा मतलब सड़ गया था ना, वहाँ पे था सब। लेकिन मैंने सुना था लेपट का तो नहीं सड़ता है सर, नहीं नहीं, रूमर से हम लोग का, नहीं नहीं, मेंटेन करना पड़ता है, जैसे बनाता है ना वैसे हम लोग नहीं रखता है ना, इसलिए सड़ जाता है। अच्छा, इनका आप लोगों को प्रॉपर लाइसेंस भी मिला हुआ है ना, मजिस्ट्रेट से यहाँ क्या क्या प्रॉपर्टी है हम लोग का। अच्छा अच्छा, पुराना उस हिसाब का हम लोग रखा हुआ है। ओके ठीक है, तो यार डिनर हो गया, किंग फैमिली के साथ में डिनर करना बहुत ही अच्छा था, उन लोगों का बात व्यवहार सारा कुछ बहुत ही अच्छा है दोस्तों, खाना भी बहुत टेस्टी था, गिफ्ट भी दिया मुझे। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ फॉरेस्ट चेक गेट के पास में, यहाँ रंगलुआ विलेज में, आप लोग देख सकते हैं। इधर आप लोग मिलिए सूरज थापा सर जी से। हेलो, अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 10 मिनट हो गया और थोड़ी देर बैठेंगे। आज का घूमना, आज पूरा दिन, आज का जो ब्लॉग था, इससे पहले भी एक ब्लॉग आज का ही आप लोगों ने देखा, घूमना बहुत ही अच्छा था। आज भर मैं यहाँ पर हूँ, कल दिन भर रहूँगा और शाम को यहाँ से मैं निकल जाऊँगा गुवाहाटी के लिए। यहाँ के लोग बहुत ही फैमिलियर हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार है सबका, मैं सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहे, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। तो आज का ये जो ब्लॉग था दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है यहाँ पर वीडियो एंड करना चाहिए। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए आप लोग, बहुत जल्द मिलता हूँ, नमस्कार।